दर्शन के हित साध्वी ले गई पति को संग, और मुनि ने दर्शन जब किए तो पुलकित हो गए। मानो आज पति ने दर्शन किए गंगा मैया के, धन्य हो देवी मेरा जीवन सफल हो गया। पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी हो हे देवी, पत्नी हो तो ऐसी हो कि नारी तो वही है जो नारी नीचे को नवाए चले और आठों पहर बजाए पति की ताबेदारी को, जो हमेशा पति की ही प्रशंसा करे, पति की बताए रास्ते पर चले, पति की कभी बुराई ना करे, वही पत्नी सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। आज पति कहते हैं देवी ऐसी पत्नी हो, बड़ी सुंदर आज प्रशंसा अपनी पत्नी की करते हैं। कहा देवी जग में सुंदर नारी वही होती है जो अपने पति की कभी बुराई ना करे और निंदा ना करे, नहीं तो पत्नियां तो बहुत भरी है महाराज, जो कि वो कैसी है, स्वयं गद्दा गलीचा मिलना चाहिए, बढ़िया सोफा मिलना चाहिए, तुम कमा के आओ वहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, भले ही चोरी करके आओ डकैती डाल के लाओ, है ना, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक वो नहीं कहावत कहते हैं, भूसा भी काय हमें लाए दे लटकन। आज पति कहता जब ये बिक जाएगा तो फिर मेरे बैल क्या खाएंगे, तो कहती बैलों भी काय हमें लाए दे लटकन, और बैल बिक जाएंगे तो खेती कैसे होगी, महाराज खेती भी काय हमें लटकन ला के दे दो। तो कहते खेती बिक जाएगी तो अनाज गल्ला कैसे होगा, बच्चे कैसे पलेंगे, बोली बच्चों को भी काय हमें लटकन लाए दे, यानी लटकन चाहिए तो चाहिए चाहे सब कुछ बिक जाए, बोले जब बच्चे बिक जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, तुम भी काय हमें लाए दो लटकन, लटकन चाहिए कुछ भी हो जाए मेरी शौक पूरी होनी चाहिए। कहने का भाव पत्नी के लिए कुछ ऐसी होती है ना, अपनी शौक जानती, पति चाहे जहां से करे कुछ भी करे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कहा है कि पत्नी सुंदर नारी कौन है, उसे कैसे श्रृंगार करना चाहिए अपने पति की प्रशंसा के लिए, पति की को खुश रखने के लिए। मालूम है भाभी जी, अगर मालूम हो तो ना बताए और ना मालूम हो तो बतला दे, वे खुश रात है हमेशा ऐसे जय श्री राधे, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया जी परिवार के स्वभाव है ना, चाहे जैसे रहे, लेकिन नहीं एक सच्ची सुंदर स्त्री पतिव्रता नारी का श्रृंगार बताया है। जग में है सुंदर नारी, कहते हैं सुंदर श्रृंगार कर लेने से बाहर का कोई सुंदर नहीं बन जाता है, रूप का कोई सुंदर हो सुंदर नहीं हो जाता है, सुंदर कौन है। जग में वो सुंदर नारी पति से जो प्रेम करे, प्रेम करे
और